चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात भारत की स्पेस क्रांति की। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो सूर्यान यानी मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2 तारीख को लॉन्च किया जा रहा है। यानी कि चांद के बाद अब इसरो सूरज के रहस्य भी खंगालेगा। इतना ही नहीं, इसरो ने स्पेस में ह्यूमनॉइड भेजने की भी तैयारी कर ली है। इस प्रक्रिया के तहत स्पेस में महिला रोबोट को भेजा जाएगा जिसे व्योम मित्र नाम दिया गया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाबी का झंडा गाड़ने के बाद अब सूरज को मुट्ठी में करने की तैयारी है। ये भारत की स्पेस क्रांति है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद अब इसरो ने सूरज की तरफ यान भेजने की तैयारी कर ली है। इस मिशन का नाम है आदित्य L1, जिसे लोग सूर्ययान भी कहकर बुला रहे हैं। इसकी लॉन्चिंग 2 सितम्बर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। यानी भारत चांद के साथ ही सूरज के भी रहस्य खंगालेगा। बेशक ये स्पेस में भारत के बढ़ते रुतबे की ही झलक है। आदित्य L1 तो ऑलरेडी बन चुका है, सैटेलाइट रेडी होके लॉन्च पैड पे खड़ा है और 2 सितंबर यानी कि लगभग 1 वीक बाद हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं शनिवार को। तो उसका तो सब प्लानिंग हो चुका है, टेस्टिंग भी हो चुका है। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा 127 दिन में पूरी करेगा। ये हेलो ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा जहाँ पर L1 पॉइंट होता है। ये पॉइंट सूरज और धरती के बीच में मौजूद है। इस मिशन को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 में लगा कैमरा सूरज की HD फोटो भी लेगा और सूर्य देव की वो तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेगा जिससे दुनिया अब तक अनजान है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष के अनंत रहस्यों को खंगालने के मकसद से भारत स्पेस में एक महिला रोबोट भी भेजेगा। इस महिला रोबोट को व्योम मित्र नाम दिया गया है। खुद प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो के इस खास मिशन की जानकारी दी। वेयर वी विल पुट इन अ ह्यूमन बीइंग विदाउट अ सोल, दैट इज अ रोबो ह्यूमन बीइंग। सो वी ऑलरेडी डिसाइडेड वी विल हैव अ फीमेल रोबो दिस टाइम हु विल बी नोन एज वायोमित्र। सो दिस वायोमित्र रोबो, शी विल फंक्शन लाइक द ह्यूमन बीइंग, शी विल परफॉर्म ऑल दोस फंक्शंस देयर इन द स्पेस इन द गगनयान, एंड व्हेन इट कम्स बैक शी विल कम बैक थ्रू द सेम रूट through the waters or whatever, she'll be rescued in the same manner with all the safety considerations and parameters being observed. गगनयान को लॉन्च करने का मिशन अगले साल मार्च में तय किया गया है। इससे पहले 2 मानव रहित मिशन भी लॉन्च किए जाएंगे। जाहिर है चंद्रयान 3 की कामयाबी ने इसरो के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को नई गति दी है और अब भारत स्पेस क्रांति के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अलकेंद्र सिंह भी इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 से जुड़े हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सिंह इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक्टिव मेंबर हैं और इस मिशन में अहम योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर अलकेंद्र सिंह ने गुड न्यूज टुडे के साथ खास बातचीत की और आसान भाषा में मिशन आदित्य L1 का महत्व और उपयोगिता बताई। हमारा जो मेन जो जो टारगेट है वो या एम है वो ये है कि हम आदित्य L1 का उपयोग करके हम विज्ञान की दृष्टि से क्या क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, और आदित्य L1 इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये इसरो का एक पहला ऐसा मिशन है जो L1 लाग्रांज पॉइंट तक ये पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ी दूरी है, ये लगभग ये आप समझें कि ये 4 गुना ज़्यादा दूर है चंद्रयान 3 जहाँ तक पहुँचा उससे, और बहुत आगे तक इसको जाना है, और इसलिए बहुत ही चैलेंजिंग मिशन है। और निश्चित रूप से इससे बहुत सारी गुत्थियाँ जो है हमको सॉल्व करने में या अंडरस्टैंड करने में हमको मदद मिलेगी। बहुत ही सरल शब्दों में अगर जाने तो आखिर किस तरह के सवालों के जवाब मिलेंगे अगर ये मिशन सफल होता है, और विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान में कितना मील का पत्थर साबित होगा अगर सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में जाने तो? जी, तो इसमें जो एक इंटरेस्ट है जो विज्ञान की दृष्टि से, वो ये है कि हम सन और अर्थ का जो है कनेक्शन अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सूर्य है या जो सन है उसके एटमॉस्फेयर से बहुत सारा डायनामिक और एक्सप्लोजिव
एक्टिविटी होता है। जैसे आपने अर्थ पे वॉल्केनो और अर्थक्वेक्स को आपने नोटिस किया होगा या फील किया होगा या देखा होगा, लगभग लगभग इसी तरह की कोई स्थिति लेकिन सूर्य पे एक अलग लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। और ये पृथ्वी के पोलर रीजन्स में और जो पृथ्वी का जो या अर्थ का जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये असर डालती हैं। ये अगर बहुत आउटस्टैंडिंग इवेंट्स हों अगर सन के ऊपर, तो ये हमारे पृथ्वी पर हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए जितने भी उन्नत देश हैं, साथ ही साथ भारत, इसका काफ़ी झुकाव है सूर्य और पृथ्वी के जो अंतर संबंध हैं इनको समझने के लिए, और उसमें आदित्य एल1 की अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो। जहां बुधवार को भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रचते हुए चांद की साउथ पोल पर कामयाबी का परचम लहराया, वहीं इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग से ठीक पहले का एक वीडियो गुरुवार शाम जारी किया है। और इसको लेकर इसरो ने ट्वीट किया कि लैंडर इमेजर कैमरा ने टच डाउन से ठीक पहले चंद्रमा की ये तस्वीरें खींची थी। करीब 2 मिनट 17 सेकंड का ये वीडियो बेहद शानदार है, अभी देखिए चांद करीब से। तेईस अगस्त की शाम 6:04 पर इसरो ने इतिहास रच दिया। चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को उतारा। यहां हुई सॉफ्ट लैंडिंग ने देश को उत्साह और जोश से भर दिया। दरअसल 40 दिन के सफर के बाद लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसकी तस्वीर दुनिया ने लाइव देखी। लेकिन इसरो ने चंद्रयान की टचडाउन से ठीक पहले का ये वीडियो जब गुरुवार शाम को जारी किया तो चांद की इस खूबसूरत झलक ने भी लोगों को खुश कर दिया। दरअसल वीडियो चंद्रयान 3 ने भेजा है जिसमें विक्रम लैंडर के लैंडिंग के वक्त चांद की सतह दिख रही है, जहां शुरुआत में लहरों जैसा नजारा दिखा मगर चांद की सतह तक आते आते गहरे गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की कामयाब लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 की ओर से भेजी गई ये नई तस्वीर काफी जुदा है, चांद की सतह की सबसे करीबी तस्वीर है। ये तस्वीरें लैंडर विक्रम ने अपने ऊपर लगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे से उस वक्त खींची जब वो चंद्रमा की सतह पर उतर रहा था। फिलहाल इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद के सारे एक्सपेरिमेंट्स चलेंगे। ये सभी चांद के एक दिन में, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है, उस दौरान पूरे करने होंगे। उन्होंने कहा था कि जब तक सूरज की रोशनी रहेगी सारी प्रणालियों को ऊर्जा मिलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चांद पर चहलकदमी करते प्रज्ञान की। चांद के दक्षिणी ध्रुव पे लैंडर मॉड्यूल की सफल लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर भी साउथ पोल पे काम करने लगा है। रोवर चांद की सतह पे घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा करेगा और इसरो तक पहुंचाएगा। आपको बता दें कि इसरो ने प्रज्ञान रोवर का विक्रम लैंडर से चंद्रमा की सतह पर उतरने का वीडियो जारी किया है और कहा है कि सब कुछ सही है और सभी सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं। छुआ तो हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया। इसरो ने ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे विक्रम लैंडर से रोवर बाहर निकल रहा है। 6 पहियों और 26 किलो वाला प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करने लगा है और अपने काम में घनत्व और थर्मल गुणों को मापेगा। रोवर जानकारियां इकट्ठा करेगा और ये डेटा लैंडर के माध्यम से इसरो कमांड सेंटर में पहुंचेगा। रोवर में 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। चंद्रयान मिशन की लाइफ 1 चंद्र दिवस है। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिन तक चांद के साउथ पोल पर अपना काम करेंगे, इसके बाद वहां अंधेरा हो जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान सौर ऊर्जा से संचालित है, लिहाजा जब वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तो विक्रम और प्रज्ञान 14 दिन बाद इनएक्टिव हो जाएंगे। हालांकि इसरो ने लैंडर रोवर के एक और चंद्र दिवस तक काम करते रहने की संभावना से इनकार नहीं किया है। इसरो का कहना है कि जब चांद के उस हिस्से में सूरज की रोशनी दोबारा पड़ेगी तो उम्मीद की जा रही है कि लैंडर और रोवर फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं।
चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अब सबकी नजरें चांद से आने वाले डेटा पर है। इस डेटा का विश्लेषण चांद के बारे में हमारी जानकारियों और समझ में और इजाफा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने के बाद अब युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रति खूब उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि युवा इसरो की उपलब्धि के बाद अब स्पेस के अलग अलग फील्ड में अपने करियर को देख रहे हैं। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्रों और टीचर्स के साथ हमारे संवाददाता ने इस विषय पर बात की और ये जानने की कोशिश की कि इसरो के चंद्रयान मिशन से वो कितने प्रभावित हैं, कितने उत्साहित इस मिशन के बाद है। बच्चों से ही बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी मोटिवेशन है उन्हें इस मिशन के बाद मिली है। बेटा थोड़ा आगे से है। भारत ने इतिहास रच दिया है। अब इस मिशन के बाद आप तमाम लोग उसी विभाग के हैं, उसी डिपार्टमेंट के हैं, कितना मोटिवेटेड, कितना उत्साहित महसूस कर रहे हैं? हम सब एरोस्पेस एंथुसियास्ट्स हैं। यहाँ पर हम इसमें सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स नहीं करना चाहते, हम एक करियर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज द फील्ड जहाँ पे हम सबसे ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। एंड ये मिशन के बाद हम सब में वो मोटिवेशन है कि हमें एक सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। आपको लगता है कि इस मिशन के बाद अब सबको, जो भारत ने इतिहास रचा है, अब सारे जो साइंटिस्ट है वो लाइमलाइट में आए हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि हम अपने जो हीरो हैं वो ही देश को चलाते हैं, जो हम अपने आइडल मानते हैं, वही उसी तरीके से पूरा यूथ युवा उससे इंस्पायर होते हैं। तो पहले हम हमेशा बॉलीवुड हॉलीवुड इनसे इंस्पायर होते थे कि ये, पर इसरो के चंद्रयान 3 लैंडिंग के बाद हम देख पा रहे हैं कि हम भी देश में इस तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कैसे जैसे साइंटिस्ट ने 2019 में वो फेल हुए, उसके बाद भी वो लगे रहे। आप एज अ यूथ आप कहाँ देख रहे हो अपने करियर, देख रहे हो, लग रहा है आपको करियर प्रोस्पेक्टिव से देश के लिए आप भी कुछ? हम बिल्कुल बिल्कुल, देश तो आगे बढ़ ही रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले जब इसरो नहीं था, जब नासा और रशिया की लड़ाई चल रही थी, लाइक अ कोल्ड वॉर विच वॉज गोइंग ऑन, जिसने स्पेस कल्चर को एक बूस्ट दिया था। अब हम वो देख रहे हैं कि वो इंडिया में भी हो रहा है, इंडिया भी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके उस लेवल तक पहुंच चुका है। और आज हम देख सकते हैं कि एक मूवी थी इंटरस्टेलर नाम की, उससे आधे बजट में आज हमने चंद्रयान 3 को लैंड कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। कम बजट में इकोनॉमिकल होकर भी एफिशिएंट हो रहे हैं, मानते हैं आप? जी बिल्कुल, मतलब सिर्फ 700 के बजट में चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल मिशन बनाना इस मतलब काफी मुश्किल है। रशिया ने भी अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था बट वो क्रैश हो गया, एंड वो हमारे चंद्रयान 3 से काफी ज्यादा बजट में बना था। लगातार रशिया हो या फिर हम बात करें अमेरिका, क्यों लगातार मून पर पहुंचने के लिए जद्दोजहद वो कर रहा था। ठीक है, इससे पहले है चांद पर कई देश है पहुंच गए थे, लेकिन साउथ पोल पर भारत पहला पहुंचा है। एज अ यूथ आप अपने आप को कितना मोटिवेटेड फील करते हो कि अब जो इस अकम्पलिशमेंट के बाद यूथ अपने आप को कहाँ देखता है? सर यूथ अभी इस टाइम जो इंडिया का यूथ है ना, वो इतना ज्यादा मोटिवेटेड है ना इस चीज से कि सब लोग इस टाइम से स्पेस साइंसेस एरोस्पेस इन चीजों के बारे में ही बात कर रहे हैं। हमारे साथ पेक के प्रोफेसर भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। तमाम ये बड़ी उपलब्धि देश की, इस उपलब्धि के बाद बच्चों में किस तरह की मोटिवेशन आप देख रहे हैं, कितना उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल जी, पूरे मोटिवेटेड है हमारे स्टूडेंट एरोस्पेस के। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट एवर विच वॉज ऑफरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन द कंट्री। सो 17 एरोनॉटिकल इंजीनियर शुरू के हमने ही दिए थे इस कंट्री को। और बात छतरपुर के उस चित्रकार की, कैनवास पर उकेरे चांद चंद्रयान की उनकी पेंटिंग वायरल है और उसकी खूब चर्चा भी हो रही है। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से प्रेरित होकर उन्होंने ये चित्र बनाया है। राजेश खरे नामक इस चित्रकार ने ऐसा चित्र बनाया जो सबको लुभा रहा है, चांद चंद्रयान धरती और मोदी को दर्शाते हुए। उनका चित्र क्या कहता है, चलिए आपको दिखाते हैं। चंद्रयान चांद पर पहुंचा तो कवियों चित्रकारों की कल्पनाओं को भी चार चांद लग गए। यूं तो चांद हमेशा ही कवियों चित्रकारों का पसंदीदा विषय रहा है। ऊपर से चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग ने चांद को कलाकारों के और करीब ला दिया है। एमपी के छतरपुर से भी ऐसे ही एक चित्रकार राजेश खरे का कैनवास चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने भी कैनवास पर चांद और चंद्रयान उकेरा है। उनका ये चित्र कई मायनों में खास है। इस पेंटिंग में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि धरती से पीएम मोदी लगातार चंद्रयान 3 पर निगाहें रखे हुए हैं, और पीएम मोदी वो शख्स हैं जिनकी सोच के केंद्र में सिर्फ देश है, भारत माँ है,
और देश उनकी आत्मा में रचता बसता है, बस उसे ही ध्यान में रखते हुए वो कर्म करते हैं। हमने इस चित्र में ये दर्शाया है कि जो मिशन चंद्रयान 3 था, इस मिशन के ऊपर लगातार मोदी जी की निगाहें रही हैं और उनके ही मार्गदर्शन में ये चल रहा था। बचपन से ही कैनवास को दोस्त बनाने वाले चित्रकार राजेश खरे का ये चित्र वायरल हो गया है। हालांकि इससे पहले भी उनके कई चित्र सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। अपने इस चित्र को वो खुद अपने हाथों से पीएम मोदी को देने की इच्छा रखते हैं। उन्हें उम्मीद भी है कि उनकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के वसंत वैली स्कूल की। जी हाँ, जहाँ स्कूल के 32वें ड्रामा फेस्टिवल का शानदार अंदाज में समापन हुआ है। इस मौके पर यहाँ कई स्कूलों से आए बच्चों ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। कहीं संवादों की गूंज थी तो कहीं गीत संगीत की मधुर बयान मिथ्स ऑफ जंगल की थीम पे इस ड्रामा फेस्टिवल में बच्चों ने नया पेशकश दी। ये झलक है वसंत वैली स्कूल में चल रहे 32वें ड्रामा फेस्टिवल की, जिसका आज शानदार अंदाज में समापन हुआ। जब मंच पर बच्चों ने अपने अपने किरदार की बारीकियां बिखेरी तो तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। मिथ्स ऑफ जंगल की थीम पर हुए इस नाट्य उत्सव में बच्चों ने कुदरत की सुंदरता को मंच पर यूं पेश किया। इस सालाना आयोजन का मकसद बच्चों की क्रिएटिविटी को एक मंच देना है। इस बार 13 स्कूलों के बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस खास उत्सव में संवादों की गूंज थी तो गीत संगीत का उत्साह भी। बच्चों ने मंच से कार्यक्रम को लेकर अपने विचार भी रखे और अनुभव साझा किए। प्ले के शुरू में मेरे हाथ पूरे पानी से भर गए थे। क्यों, घबराहट के कारण? हाँ। तो आपने अपनी घबराहट को कैसे काबू में किया? मैंने पहले फर्स्ट एंड रिमेम्बर की और फिर मैंने जाके सारी लाइंस बोली। ये परफॉर्मेंस करने और ये सब कुछ प्ले करने पहले मेरे को बहुत घबराहट लग रहा था और जैसे लग रहा था कि नहीं होएगा मुझसे, फिर अपने आप से धीरे धीरे हो गया। और मुझे सबसे अच्छा वसंत वाली स्कूल का लगा था क्योंकि उनके प्ले में बहुत मीनिंग था और समझ आ रहा था कि वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। वसंत वैली स्कूल की एमडी रेखा पुरी ने ड्रामा फेस्टिवल में भाग लेने वाले बच्चों का हौसला बढ़ाया और पेरेंट्स को धन्यवाद दिया। वसंत वैली स्कूल हर साल इस ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन करता है। ये मंच 9 से 11 साल के बच्चों के लिए शानदार मौका मुहैया कराता है। खास बात ये है कि इस फेस्टिवल में बच्चे खुद ही नाटकों की पटकथा लिखते हैं, किरदार निभाते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं। एक फेस्टिवल है जहाँ पे बच्चे नाटक बना रहे हैं और एक दूसरे के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट्स फॉर द चिल्ड्रेन, बाय द चिल्ड्रेन, ऑफ द चिल्ड्रेन, उनका काम है। हम तो बस हम एडल्ट्स बस फैसिलिटेट करते रहते हैं। एंड इस साल हमारा थीम था मिथ्स ऑफ द जंगल या जंगल की कथाएं। एंड या दिस टाइम द प्लेज, इट वॉज अमेजिंग। इस तरह के आयोजन बच्चों की क्रिएटिविटी तो बढ़ाते ही हैं, उनके आत्मविश्वास में भी इजाफा करते हैं। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है
कि इतनी रोशनी पानी में है। देखिए, हम किसी महबूब की तारीफ नहीं कर रहे हैं, एक शायर की तरह। दरअसल ये रुतबा आज भारत का दुनिया में है। और चंद्रयान के चांद पर पहुंचने के बाद आज देश का हर नागरिक गर्व का एहसास कर रहा है और उम्मीद अब सूरज पे भी हमारी छाप दिखेगी। तो उम्मीदों का दामन थामे रखिए, हौसले बुलंद कीजिए, यकीनन सपने जरूर पूरे होंगे। हमारी चाय यही संदेश देती है। मिलेंगे मंडे को शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।